तो पहला ही तुहाडे तों जानना चाहुंदा क्योंकि देर रात हो गई है, तुसीं इत्थे खुद मौजूद हो, मौजूदा स्थिति नूं तुसीं किवें देख रहे हो? क्योंकि इन्नी रात नूं भी कोई ऐसा 5 मिनट नहीं निकले जदों इह लग्गिया होवे कि टीयर गैस बंद हो गई जां धमाकियां दी आवाज़ आनी बंद हो गई होवे। तुसीं मौजूदा स्थिति नूं किवें देख रहे हो? देखो, सरकार अपने आप नूं इह दसना चाहुंदी आ वी असीं थोड़ी गल तो नहीं मननी, ना कुछ देना हैगा, पर तुहानू कुचलना हैगा, जिहड़ा संकेत यह हैगा। असी साफ कहना चाहुंदे हां भी देखो साडा, मैं फिर कहना, अणख का सवाल नहीं दिल्ली जाना, मोर्चा लाउणा अणख का सवाल नहीं। ये एक जमहूरी कंट्री है, इहदे विच सानू आवाज़ चुकण का हक हैगा वा, वो साडा हक मारिया जा रहा। और वादे गल है भी जिहड़ी फायरिंग हो रही है वो पंजाब की टैरिटरी च हो रही है, जख्मी पंजाब की टैरिटरी च होया। मैं लगता पंजाब सरकार ने इहदे मुकदमा करना चाहिए कि अपनी टैरिटरी च फायरिंग कर सकते हैं, पंजाब की टैरिटरी च फायरिंग कर रहे हैं। तुहाडी पंजाब पुलिस नाल कोई गलबात हुई? पंजाब पुलिस का कुछ कहना सीगा क्योंकि पिछे SSP पटियाला बैठे हुए सीगे, और दूजे पासे यह जानकारी मिली है कि पंजाब सरकार के वल्लों जिहड़े आस पास के हस्पताल ने वो अलर्ट से रख दिते ने, 60 तो ज़्यादा लोग जख्मी हुए ने। इस एरिए जिहड़े हस्पताल पैंदे ने उन्हां नूं कह दिता गया कि तुसीं ध्यान रखो, कुछ इत्थे मेडिकल टीम भी भेजी गई चाहिए। मैं ना अजकल सवेरे एंबूलेंस की कमी सी, चंगी गल है सरकार एंबूलेंस मुहैया करावे मौके पर। असं सिविल जिहड़े मेडिकल्स के प्रैक्टिशन उन्होंने कहांगे भी आके इत्थे कैंप लगाओ, काफ़ी चाहिए लोड़ हैगी है। हाँ, मैनू लगता चंगा किया। देखो गौरव, जे सरवंत सिंह पदेर होरां नूं एक सवाल पूछ सको कि मीटिंग दे विच केंद्रीय मंत्रियां ने उन्हां नूं ये गल कही सी कि एक दो मंगा उन्हां दियां मान लैने हैं, पर जिहड़ी कानून बनाउण दी या उस पद्धर से फैसले लैन की गल है वो तो हुण जदों इलैक्शन होणगे, नवीं सरकार होण दे विच आऊगी, उस तो बाद ही हो सकती है। हुण तो 17वीं लोकसभा जी है खत्म हो चुकी है उसका कार्यकाल, तो हम तो कोई चांस नहीं। प्रोग्राम जो पूछ सको तो सरवंत सिंह पदेरा ने यह गल हुई सी मीटिंग जाएगी, जिम्मे पहला सिंगू से शंभू इस बार रहेगा या फिर दिल्ली वाले पास जाने जाना? नहीं देखो, स्टेज नहीं चलूगी इतने, असं तो सिर्फ इन्ना कह रहे अपने यूथ नूं भी रात स्टे करिए, ठीक है, सवेरे फिर एक बार कोशिश की जाएगी। फिर कुछ मैं एक चीज समझनी चाहना, जेडे तुहानू इस समय सुन रहे हैं, जेडे तुहाडे समर्थक भी ने फंदेर साहब, सिंगू ते शंभू दे विच फर्क की है कि जे प्रोटेस्ट ही करना है तो इत्थे क्यों नहीं किया जा सकता, दिल्ली जाके ही क्यों? तुहानू लगता है कि वह सॉलिड होएगा या उसका असर ज्यादा होएगा? देखो सवाल यह नहीं है असं प्रोटेस्ट ही क्यों करिए जे सरकार मानती हो, बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली सरकार गल करे भी तुसीं की करना चाहते हो, मंगा नहीं मनना चाहते, तुसीं इह तां अधिकार दे दो या तुसीं आपका प्रोटेस्ट कर लो, तुहानू साडे तों खतरा की है, असीं कित्थे बंग, तुहाडे लई की नुकसान हो, तुसीं चर्चा करो साडे नाल, तो सारी गल की जा सकती ना। मैं देखा पर एनक क्योंकि हंजू गैस के गोले छड़े जा रहे थे, कई ने पूरे मास्क पाए थे, तुम भी एनक उस करके लगाई? हाँ देखो, आप बेच ही रहे हैं, नाल जाते रहे, जो कोई बंदा अगे जाता रहा फट के लिया रहे सारे, बिल्कुल अजि साड़ी लीडरशिप है सारी जी असं बेच रहे हैं। पंडेर साहब एक होर चीज़ दसो, तुम मैं दिल्ली का जिक्र कर रहे हो, जे बॉर्डर खोल दिते जाण, सिंगू भी बॉर्डर खोल दिता जाए, कितने जाना चाहते हो तुम, दिल्ली च कितने जाके बैठना? देखो असी तो सरकार को जंतर मंत्र मंगया सीगा, कई मैनू कहिंदे सी जगह नहीं हैगी, मैं कहा चलो उदा कुछ सोचा जा सकता भी जे सरकार गल करना चाहूगी तो सोचा जा सकता भी कितने कितने। सरकार का फोन आया कोई गलबात दे लई, सुनेहा आया कि कल गलबात करांगे या परसों गलबात करांगे, कोई सुनेहा आया तुहानू? नहीं नहीं, कोई गल अजे तक कोई इहो जिहा सुनेहा नहीं हैगा, ना मतलब सीगा। देखो ये तो 10 दिन पहलों प्रकाहट डै पैदा पे होंदा भी बैरीगेटिंग सब कुछ तुहानू पता, मैनू मेरी जिंदगी च फार्मर प्रोटेस्ट लई कदी नहीं होया, कश्मीर वांग की मीटिंग दे विच इन्हां नूं यूनियन मिनिस्टर्स ने गल कही है कि हुण ते लोकसभा दा कार्यकाल खत्म हो गया, दोबारे सत्ता चाहवांगे तां देखांगे। जदों मीटिंग हो रही थी तो मीटिंग दे विच होया कि 2-3 मंगां तुहाडियां मन लियां जाण, और उस तो बाद जिहड़ा तुसीं कानून MSP दे उत्ते चाहुंदे हो बनाउणा कि जदों नवीं सरकार बनेगी उस दे विच गौर कर लिया जावे, तुसीं बाखूबी समझदे हो कि अगले 10-15 दिनां दे विच कोड ऑफ कंडक्ट पूरे देश दे विच लग जाएगा सरकारां दे लई। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल गल कर रहा कि पॉसीबल कि बाकी तुहानूं लगदा है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगन तो पहलां MSP दे उत्ते कोई कानून बन जाए, उसनूं लागू कर दिता जाए? इह तुहाडी मीटिंग दे विच कोई गल होई सी कि इलैक्शन तो बाद असीं देख लांगे इस दे उत्ते? देखो जड़े तुहानू सूत्र दस रहे गलत दस रहे, सवाए केस वापस कुछ लैन तो जी कोई गल नहीं होना। लखीमपुर मसले ते कह रहे सी मुआवजा दे दांगे ना, मुआवजा क्या वो कहंदे जी असीं जांच कर लांगे, जिहड़ी तुसीं लिस्ट दित्ती है ठीक भी हैगे कि गलत हैगे? ठीक है सीगा, ठीक आ, मतलब की मसला सी? मैनूं लगदा बिल्कुल गलत बखान कर रहे जिहड़ा कर रहा साडे सामने, मेरी बेनती सुन जी, जिहड़े कहंदे कमेटी बना लो, असीं उहनां नूं कहा भी
स्वयं प्रधानमंत्री जदों कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन से उन्होंने रिपोर्ट आई हुई है गुजरात गुजरात सीएम से 2018 उदों के जेडे खेतीबाड़ी मंत्री के सैकटरी से उन्होंने सैन चिट्ठी आई हुई सी टू प्लस 50% ना कैलकुलेशन करके बिच तुहानू दांगे जबलपुर हाई कोर्ट की जजमेंट असी गाड़ी रखती देखो जब कोई हाई कोर्ट उन्होंने तो डाकूमेंट्स मंगे होने तो इनपुट्स की आ सरकार की आ फैसला तो किसी रिकॉर्ड से बेस से होया होगा ऐसा नहीं दूजी सी ए सी पी आ जड़ी साढ़े फसलों के भाव तय करती है तो 23 फसलों के भाव देंगे उन्होंने कोई जवाब नहीं साढ़े गला तुम मैं क्या भाव देंगे जी देंगे जी कैलकुलेशन करते जी करते हैं जी ओते लीगल गरंटी कानून कर दो मिनट का कम है पंजाब सरकार ने कहा झूठ बोल पंजाब सरकार ने कहा झोने की बजाए दालों के उत्ते MSP दो पहला जो देश का ढिड भरिया झोना कनक लगा के हूँ अगर MSP दोगे तो दालों से भी पंजाब का देखो की कहना MSP खरीदी गरंटी का कानून इंटरकनैक्टेड आ डिवर्सीफिकेशन 23 फसलों का डिवर्सीफिकेशन हो गया 23 फसलों से मिल जाए तो डिवर्सी मतलब 23 फसलों के उत्ते MSP मांग रहे हो जिमें कणक झोने के उत्ते पंजाब दे विच मिलता बाकी दी 21 फसलों से भी दो असी सारिया फसलों से मांगते हैं पर असी कहने 23 बारे तो तुम फाइनल करके रखिया ना इतने तो लोड़ कोई नहीं कमेटी की ठीक है इतने तो तुम कर दो हादे वालों कोई प्राइवेट खरीदे साड़ी जी तय की रकम तो ठेठा तो नहीं खरीदूगा ठीक है वो चाह के भी नहीं क्योंकि इतने WTO दी नीतियां आड़े आउंदियां ठीक है चलो एक होर चीज दसो 11-12 मंगा जे मैं उन्होंने गिनन लगा तो 11-12 मंगा असं अपने दर्शकों लगातार तुहाडियां दस रहे हैं नैगोशिएबल है कि नहीं है किन्निया मंगा दे उत्ते या किहड़ी मंग दे उत्ते तुसीं पिछे नहीं हटोगे कि हो सकता है कि कुछ मंगा दे उत्ते तुसीं कहो कि चलो कोई गल नहीं असीं सोच लैने पर आ मंग तो बिना असीं पिछे नहीं हट सकते देखो साढ़े कोई भी मंग अजि नहीं हैगी जी सरकार मने ना कई तो बहुत छोटिया ने मान लो तुम देखो सरकार का हंकार एक महीना रह गया अजय मिश्रा टैनी जी जे कहते इस्तीफा लै ली तो किसानों के दिल ना ठंडे होंगे मुजरम कर दिता वो तो यह भी नहीं करके राजी है वो तो एरीटेट होंगे मंत्री जो असं गल की गल हुई मतलब तुम नैगोशिएशन वाले बिल्कुल भी मूड नहीं हो जिन्या मंगा सारिया तुम चाहते हो कि मनिया जाए देखो नैगोशिएशन के गल तो हो भी कि दसन उन्होंने बस है हाँ सी टू प्लस 50% उत्ते तो डिस्कस हो सकती है भी वह फार्मूला अड अड है ना वो कहन तो तीन बस सी टू प्लस 50% के रेट देने तैयार है ठीक है असी मन लिया नोटिफिकेशन किवें देना यह हो सकता बच एक होर इल्जाम लग रहे हैं कि तुहानू पता है कि लोग सभा के इलेक्शन 2 महीनों के पूरे देश के है इस करके तुसी दबाव बना रहे हो सरकार के उत्ते असी दबाव अपने घर वास्ते नहीं बना रहे ये देश के किसान मजदूर लिए बना रहे जदों देश ने नवा प्रधानमंत्री चुनना वा जी ठीक है और वो कह रहे हैं भी असी चंगा काम किया आधार से वोटा मंगेंगे कि नहीं काम किया साडा फर्ज भी है लोकतंत्र में दसीए भी आह काम नहीं हो सके असि लोकतंत्रक देश में जीने या तो असी को पार्टी बनानी इलेक्शन बराबर लड़नी है असी बेनीफिट लेना हो फिर तो सानू कह हाँ उदो असल में भारत के लोकतंत्र में सरकार मनदिया ही उदो होंगी जो उन्होंने लोगों वोटों की लड़ हूँ हाँ एक मैं होर बेनती करता जे कोई सवाल करते हैं असं तो क्या मंत्रियों ने भी जो 2700 रुपया कणक का ऐलान किया राजस्थान च छत्तीसगढ़ च मध्य प्रदेश से कि कमेटी बना के किया वोटा लैनिया सी ना तुम दे भी दोगे मर्जी दिल करता दे देंगे मर्जी दिल करता ना दे इलेक्शन का जिक्र किया तो साथियों ने पिछले अंदोलन तो बाद इलेक्शन लड़िया से अभी तो नहीं खड़े तो चो कोई अजिहा तो नहीं कि 2024 की तैयारी करे या जेड़े जिन्होंने इलेक्शन लड़िया कि वो तो संपर्क साध रहे मैं सीधे तौर पर कह राजेवाल हो रही लखोवाल हो रही तो कह रहे हैं कि असी तो आवेंगे या फिर वो कह रहे कि ठीक है तुम जा रहे हो जाओ असी 16 को बंद रखेंगे देखो बुनियादी जो सवाल आ रौला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है अंदोलन का एक कोड ऑफ कंडक्ट आ भी असी ये कोई निजी मफादा लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे सुमुख लड़ाई लड़ेंगे ठीक है एक तो है देखे वो कहना मंगता एक असैसमेंट ने कई लगता भी अंदोलन खड़ा ही नहीं हो सकता मेरे ख्याल खत्म हो गया हो गया एक है भी असी दिल्ली जाना ही नहीं चाहते ये चीज़ों का रौला एक है भी कई मिशन वाले ने भी फैलाना मिशन चला सवाल तो है मुद्दों से एकता होकर कट्ठी लड़ाई लड़ी जा सकती है जे अपने निजी मवाद छड़ दिते जाण होर कोई सवाल नहीं है किसी ने भी आना वा साडे वास्ते नहीं आना जे वो किसानों का लीडर उन्हें देश के किसानों मजदूर वाली आना आज जी सद के गलबात हुई किसी ना लखोवाल ना किसी बहुत सारे लीडर साडे ना आ गए आ मैं लगता सारे लीडर ने बयान भी दिते कहा भी पंडेर साहब एक मेरा होर सवाल है कि 2020 दे विच भी तुहाडे बारे कहा गया कि तुसीं इक वक्री लाइन फड़ लैंदे हो
32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਫੜੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ देखो मैं कभी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोलता मेरा नहीं, मैं तो जथेबंदी का जिक्र कर रहे हैं कि एकता उग्राह कह रही है चाहिदा उन्हों थोड़े थोड़े सामने आ जाने ते असी दोवें डिबेट कर लिए जी ठीक है हुण लोकां दा प्रेशर इन्ना वा अपने आप नूं बचाउणा चाहुंदे आ जी उन्हां दी असैसमेंट तां है भी अंदोलन ही नहीं बन सकदा उह तां चंडीगढ़ जा रहे ने ठीक है क्यों मैनूं लगदा अजिहियां नहीं गल्लां होणियां जिहड़ियां प्रेस दे विच ना इहो जी गल करन हाँ ठीक है किसी ने चंडीगढ़ लड़ना उसका निजी हक है कोई पंजाब लड़े असं नहीं कभी व्यक्तिगत ही मैंने बोलते वेखा किसी के खिलाफ व्यक्तिगत असं नहीं बोलते किसी ठीक है कोई सोलह करना चाहता करे असी नहीं किसी दत्तां लुत्तां खिंचदे होंगे ठीक है साडा प्रोग्राम असी करते कोई साडी वक्री लाइन नहीं के एम एम किसान मजदूर मोर्चे दीआं 100 तों वध जथेबंदियां ने ठीक है एस के एम नॉन पोलिटिकल दीआं 100 तों वध जथेबंदियां ने तुसीं देख ही रहे जे अज आ पूरे देश विचों चलण गया गाहां भी देखोगे पंजाब दीआं किन्नी जथेबंदियां इस बार तुहाडे नाल लगे वध रही देखो मैनूं लगदा पंजाब दीआं साडे नाल हुण 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 गिनती 13-14 की होगी ਡੱਲੇਵਾਲ साहब ने भी 17 वा तकरीबन 29-30 जथेबंदियां हैगियां ठीक है मैं एक जाबते नूं लैके सवाल पुछना है जिहड़े समर्थन दे विच किसान इत्थे पहुंचे हुए ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਇਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਪਿਛਪੁਲੀ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਮਾਰ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੂਰਾ ਬਚਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਦੁਆਰੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਨਾਸਬ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਐਗਜੈਕਟ ਕੁਝ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੇ ਹੁਣ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ
मौके दियां परिस्थितियां और सारे दो फोरम ने कल्ले असी तां नहीं फैसला कर सकते, पर जो मौके दी डिस्कस होगी उहदे मुताबिक चलना। सवेरे किन्ने वजे कूच करोगे या कोशिश करोगे, कोई गलबात हरियाणा प्रशासन नाल करन दी तुसीं कोशिश कीती कि नहीं? नहीं, हरियाणा प्रशासन नाल कोई गलबात नहीं हुई हैगी। गलबात कर लो कि अब तक गलबात करके ही बन जाए, हंझू गैस के गोलियां की लोड़ ही ना पवे। वो साधते तो जरूर करते जी। गुरु एक मेरा आखिरी सवाल है, पंजाब दी सियासी पार्टियां सारी सियासी पार्टियां नूं किवें देखदे हो इस वेले, जो तमाम सियासी पार्टियां सिंगरां नूं भी? देखो असी तो कहने भी देखो इस वे तेन पता पोलीटिकल तबाता पिया वा, हर एक बंदा रोटी लाना चाहूगा ठीक है, पर फिर भी जे कोई भी विरोधी धिरा किसानों दिलों हकीकी मायने च मुद्दे चक देने तो माड़ी गल नहीं है। बाकी असी पंजाब की सारी सिविल सोसायटी जिन्ने गायक ने एक्टर ने बुद्धिजीवी ने बिल्कुल जी, रात का भी फिक्र नहीं है कंप्लीट कर लो गायकों वाले। तो मैं सारियां नूं कहना चाहुंदा सीगा भी सारे भराओ साथ दिओ, सारियां दा अंदोलन है, साडा कल्ला दा अंदोलन नहीं, असीं तां पूरी सिविल सोसायटी वास्ते संघर्ष करके। पंजाब खेती आधारित एक सूबा वा, ये खेती नहीं रही तो कुछ नहीं होगी। देखो अज फ्रांस के किसान आ जिहड़े कोई ये बेंत बेंत भी करते आ भी इत्थे विदेशों तो फसलां नहीं आउणगियां उत्ते जीरो ड्यूटी। फ्रांस के किसानों ने एक गल कही भी तुसीं बाहरों फूड ते सब्जी मंगा रहे हो ते तुसीं सबसिडी दे रहे हो ते साडे स्टोरां च सब्जियां नहीं हो, 400 किले का किसान है, तगड़ा किसान है सब जी। वो इन्ना उन्हां दे किसानां ने उन्हां दी सरकार ने इन्ना तो नहीं जुल्म किया, उन्होंने उन्ना करन दिता बड़े पीसफुल ठीक ने, गुस्सा ठंडा टॉक कर रहे हैं। संकट कला साडा नहीं खेती का, पूरी दुनिया भर का वा, तो कारपोरेट जिमें अंतम हमला वा खेती सैक्टर में जिमें हड़प्पण का यतन कर रहे, तो आप बचण का यतन कर रहे भी नहीं खेती सैक्टर बचा रहे, ये देश की 60% आबादी है किसानों की, तो ये बेरोजगार खड़ के कितने लैके जावेंगे।